ये कल हमारे ग्रेटर क्लास जो कि अफसर विकी थापा, उन्होंने एक सरप्राइज नाका लगाया था वहाँ ग्रेटर क्लास में। तो नाके के दौरान चेकिंग हो रही थी, जो मोटरसाइकिल वाला है राकेश कुमार, उसको रुका और रोक के चेक किया, तो उसमें बैग में फोरेक्स की बोतल थी, वो 175 के करीब वो रिकवर हुई है, उसमें FIR आज हुई है पुलिस स्टेशन गंगयाल में। और दूसरा नाका जो लगाया था SHO गंगयाल अनायत अली साहब ने कुछवानी में, तो वो नाके के दौरान एक रमेश जो कि आरएसपुरा का रहने वाला है उसको चेक किया, तो उससे 59,500 रुपया जो है फी करेंसी रिकवर्ड हुई है, और उसमें भी एक पर्चा FIR जो गंगयाल में दी गई है। दोनों केसेस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और हम ये देख रहे हैं कि जैसे ड्रग्स का है, तो ड्रग्स जो है वो बता रहे हैं कि दिल्ली से हम ला रहे हैं, तो हम इसमें ये इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं कि जम्मू में और किस किस की कनेक्टिविटी इसमें है, और दिल्ली में कौन जो लोग हैं जो होलसेल में ये काम करते हैं वहाँ तक भी पहुँचेंगे। और इसका ऑलरेडी पहले भी केस जो ड्रग्स में लगा हुआ है रजिस्टर हुआ है, और जो फेक करेंसी वाला रमेश है उसके तो 5 केस हैं, बशना में, अरनिया में, आरसपुरा में और मीरासा में, और शटा केस जहाँ रजिस्टर हुआ है वो तो एक नेटोरियस टाइप का रिकॉर्ड चलाता है, उसमें भी देख रहे हैं कि वो मशीन्स वगैरह कहाँ यूज़ होती हैं, कौन इसमें लोग इन्वॉल्व है और कहाँ कहाँ तक ये हैं। तो दोनों केसेस में हम इन्वेस्टिगेशन को अभी हमारी चल रही है, और इसमें अभी इनको ये वो फी करेंसी में जो रमेश था वो अंदर था जेल में, और ये ड्रग्स में राकेश जो अंदर था, अभी हार्डली इनको 3-3, 4-4 महीने बाहर आए हुए हैं और अपने सेम कारोबार में जी जुट गए हैं। तो इसमें जो ऐसे लोग हैं, तो हमें जो सीनियर अफसर हैं हमारे SSP साहब ने, सीनियर अफसर साहब हैं, उनकी डायरेक्शन है कि ये जो ड्रग्स के काम जो इस किस्म का धंधा करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जो ऐसे इतने केस हैं उनके तो हम एक डोजर भी तैयार कर रहे हैं और अपने SSP साहब को सबमिट करेंगे। उम्मीद है कि ये जो लोग ऐसे नहीं बाज आ रहे हैं और अपनी ये ऐसी हरकतें जो ऐसा ड्रग्स का सिस्टम कर रहे हैं और लोगों को यूथ को डिडिक्शन कर रहे हैं, तो उनके लिए हम डोजर बना के तो PSA के तहत भी अंदर। ये करेंसी सर जम्मू में कहीं पर मशीन में प्रिंट हो रही है, कहीं बाहर से लाई गई? अभी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है काली पकड़े हैं, तो उसमें आप फर्दर देखेंगे कि जम्मू में कौन इन्वॉल्व है इसमें और कहाँ से आ रही है और कौन कौन लोग हैं, अगर मशीन जहाँ किस चीज़ की तरह से ये हो रही है। हाँ, इससे 5 केस करेंसी के ही रजिस्टर हुए हैं। तो उसमें उसने क्या बताया था? उसमें इसमें खुद की मशीन रखी हुई, वो भी सीज हुई थी पिछले साल, वो हमने की थी, मेरा साहब वो हेड ओवर रोड पर्चा लगा था वहाँ पे। तो अब इसमें रात को पकड़े, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं कि खुद की जहाँ और कोई इसमें इन्वॉल्व है जहाँ से प्रिंट करते हैं और इसको जो मार्केट में लाते हैं, ये मार्केट में भी लगाते हैं। और जैसे ये इनका मॉडल प्रिंट ही है, इसको पूछा गया तो किसी से मतलब कि जो बेकार लोग बेरोजगार लोग हैं, धंधा नहीं है, काम नहीं है, तो उनके साथ इनकी कनेक्टिविटी चलती है, और वहाँ जैसे 50,000 रुपया दे लेते हैं तो फेक 50 देते हैं और ओरिजिनल जो है उनसे 20 ले लेते हैं, तो उस सिलसिले में इनको ये बेनिफिट होता है। वो भी सोचता है कि चलो जो 20 के बदले 50 ले रहा हूँ तो मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके लगा देते हैं, जिसमें मतलब कि पूरा का पूरा नहीं लगाते बल्कि थोड़ा करके लगाते हैं, मार्केट में भी पता नहीं चलता कि हाँ जी फेक है या क्या है। नोट आप खुद देख लें कि इसमें जजमेंट बड़ी कम होती है, बड़े माइन्यूटली देखा जाए तो जजमेंट होती है इसमें।